Hello friends, I am Sanket. Welcome back to the another video of this playlist. Make sure that you have watched our previous video. तो previous video में हमने terminating और non-terminating numbers के बारे में जाना था, जो कि exercise 1.4 के लिए बहुत ही important होने वाला है. तो आज इस video में हम exercise 1.4 का question number 1 solve करने जा रहे हैं. तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 1 सिंपली क्या कहता है, आपके पास जो भी रैशनल नंबर गिवन है, सपोज यहाँ पे मैं पहला रैशनल नंबर ले लेता हूँ 13/3125, इसको बिना डिवाइड किए आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग नंबर होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा. बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहना चाहता है, यहाँ पे जो भी रैशनल नंबर गिवन है बिना डिवाइड किए उन्हें क्लासीफाई करो, क्या वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है. तो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ थ्योरम्स पता होने चाहिए. वो थ्योरम की मदद से आप इसको आसानी से चुटकी बजाते ही सॉल्व कर पाएंगे. तो चलिए समझ लेते हैं वो थ्योरम कहना क्या चाहता है. तो पहला थ्योरम क्या कहना चाहता है, अगर आपके पास कोई भी रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है डैट मीन्स वो पीएमक्यू फॉर्म में होगा, उसका जो डिनोमिनेटर होगा उसको हमने अगर एक्सप्रेस कर दिया 2m या फिर 5n, तो देखिए तो उस टाइप के नंबर्स को हम कहेंगे टर्मिनेटिंग नंबर्स. तो बेसिकली थ्योरम क्या कहना चाहता है, अगर आपके पास कोई भी एक रैशनल नंबर है और वो रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर को अगर आपने 2m और 5n के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया, तो उस टाइप के नंबर्स को हम सिंपली कहेंगे टर्मिनेटिंग नंबर्स. तो बेसिकली क्या कहना चाहता है, डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 के टर्म्स ही दिखने चाहिए, उसके अलावा कोई टर्म नहीं दिखने चाहिए. अगर कोई दिख गया तो वो नंबर को हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. तो यहाँ पे थ्योरम दूसरा थ्योरम यही कहना चाहता है, अगर आपके पास कोई भी एक रैशनल नंबर है दैट मीन्स वो पी अपॉन क्यू फॉर्म में होगा और उसका डिनोमिनेटर को अगर आपने 2m 5n या फिर इसके अलावा कोई भी एक नंबर के टर्म्स में लिख दिया, तो उस टाइप के नंबर्स को हम सिंपली कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. सो बेसिकली दूसरा थ्योरम क्या कहता है, अगर आपके पास कोई भी रैशनल नंबर है दैट मीन्स वो पी अपॉन क्यू फॉर्म में होगा और उसका डिनोमिनेटर जो कि क्यू, अगर आपने उसको फैक्टराइज कर दिया 2m या फिर 5n या फिर कोई भी तीसरे नंबर के टर्म्स में लिख दिया जो कि 2 और 5 के अलावा, सपोज 3 या फिर कोई भी नंबर, तो उस टाइप के नंबर्स को हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. एग्जाम्पल के तौर पर सपोज मैंने ले लिया एक नंबर 10/8, आप देख सकते हो 10/8 एक रैशनल नंबर है, तो इसका डिनोमिनेटर फिलहाल यहाँ पे 8 है और 8 को मुझे क्या लिखना है, 2m नहीं तो 5n या फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन में. तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2m³ और 5 को लिख सकता हूँ मैं 5 की पावर 0, क्योंकि 5 की पावर 0 होता है 1, तो 2m³ होता है 8, 8 × 1 दैट इज़ अगेन 8. तो बेसिकली मैंने क्या किया, जो भी डिनोमिनेटर है उसको मैंने 2m और 5n के टर्म्स में लिख दिया, दैट मीन्स ये जो रैशनल नंबर है इसका जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग नंबर होगा. आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा. तो चलिए एक और एग्जांपल सपोज लिया मैंने, सपोज मान लीजिए मैंने ले लिया 3/35, आप देख सकते हो 3/35 ले लिया है मैंने, इसका जो डिनोमिनेटर है, आप डिनोमिनेटर कौन है यहाँ पे 35, उसका मैंने फैक्टराइजेशन ले लिया, क्योंकि मुझे मिला 7 × 5 = 35 या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 2m³, आप देख सकते हो मैंने इसको 2, 5 या फिर इन दोनों के कोई अलावा जो कि है 7 इस टर्म में मैंने लिख दिया, दैट मीन्स यहाँ पे हम थ्योरम 2 यूज़ कर रहे हैं. इसका मतलब क्या, ये जो भी गिवन नंबर है इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में अगर सिर्फ 2 और 5 के टर्म्स दिखे तो टर्मिनेटिंग नंबर, अगर उसके अलावा कोई नया बंदा दिखा तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. आई होप गाइस ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा. तो जल्दी से कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन. तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 13/3125, हमें क्लासीफाई करना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. तो इसके लिए हमें बेसिकली क्या करना है, हमें करना है डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन. तो डिनोमिनेटर यहाँ पे जिसे Q से डिनोट करते हैं वो है यहाँ पे 3125. तो यहाँ पे हम लोग 3125 का फैक्टराइजेशन ले लेंगे, ये नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 × 6 = 30 हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1, 5 × 2 = 10, रिमाइंडर इज 2 एंड 5 × 5 = 25. अब 5 × 125 = होता है 625, 5 × 25 = होता है 125, 5 × 5 = 25 एंड देन 5 × 1 = 5. आप देख सकते हो 5 कितनी बार आया है यहाँ पे, 5 5 बार आया, दैट मीन्स 1 5 × 5 × 5 × 5 × 5. ऐसा क्या 1000 बार लिखते चलोंगे, नहीं ना. तो शॉर्ट हमें पता है कि एक्सपोनेंट्स के टर्म में हम लिख सकते हैं जो कि हमें मिल जाएगा 5 की पावर
1, 2, 3, 4, 5 पांच बार आया, इसीलिए 5 की पावर सिंपली 5 आ जाएगी। आप देख सकते हो 5 की पावर 5 है और हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो q का फैक्टराइजेशन है इट इज़ इन द टर्म ऑफ 5 एंड 2। तो ऐसे नंबर का जो डेसिमल एक्सपांशन हो जाएगा वो सिंपली हो जाएगा टर्मिनेटिंग। तो इसका आंसर बन जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन क्यू बना, क्योंकि यहाँ पे इसके जो फैक्टर्स है उसके अंदर सिर्फ 5 और सिर्फ 2 है। आप में से बहुत बच्चों को डाउट होगा कि ये 2 कहाँ से आया, तो बेसिकली एनी नंबर रेस टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1, ये हमेशा 1 के बराबर होता है। यहाँ पे 2 था नहीं, तो 2 को लाने का तरीका यही है कि 2 की पावर 0 लिख दो। हम आगे ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जहाँ 5 नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 5 की पावर 0 लिख देंगे, या फिर ऐसा भी देखेंगे कि 2 भी नहीं है 5 भी नहीं है तो जबरदस्ती उनको ला के उनकी पावर को हम 0 लगा देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया हो क्यों ये टर्मिनेटिंग है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आंसर 2 में भी वैसे ही करेंगे जैसे हमने आंसर नंबर 1 में किया था। तो यहाँ पे हमारा जो डिनोमिनेटर है जिससे हमने q से डिनोट किया था, जो कि यहाँ पे फिलहाल 8 है, और 8 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 की पावर 3, जो कि 2 का क्यूब होता है। बट अभी हमें 5 का टर्म भी चाहिए, 5 का टर्म नहीं है, इसीलिए हम लिख सकते हैं 5 की पावर 0, बिकॉज हम जानते हैं एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज़ ऑलवेज 1। तो यहाँ पे हमें ये मिल गया। आप देख सकते हो q का जो फैक्टर्स है वो सिर्फ 2 है और 5 है, इनके अलावा कोई नहीं है, इसीलिए इसका आंसर बन जाएगा सिंपली टर्मिनेटिंग। क्योंकि हम जानते हैं अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 ही होने चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं होने चाहिए, ऐसे टाइप का जो डेसिमल एक्सपांशन होता है वो होता है टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। तो थर्ड को भी वैसे ही करेंगे। यहाँ पे हमारा जो क्यू है वो है सिंपली 455। अब हमें इसका निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगा, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 13, 7 ज़ा होता है 91, 7 1 ज़ा 7। तो 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया सिंपली 5 × 13 × 7। बट हमें 2 के पावर भी चाहिए, क्योंकि 2 का टर्म भी चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 0, और 2 का पावर 0 हमेशा 1 होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमें 5 है और 2 है, बट इन दोनों फैक्टर्स के अलावा दो और मेहमान यहाँ पड़े हुए हैं, जो कि है 13 और है यहाँ पे 7। तो ऐसे में ये जो हमारा यहाँ पे थ्योरम रिजेक्ट हो जाएगा और इसका आंसर बन जाएगा सिंपली नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो चलिए बढ़ते हैं फोर्थ एग्जांपल की तरफ। तो 4 भी सिंपल है। यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर को हम q से डिनोट करेंगे, जो कि है फिलहाल यहाँ पे 1600 है, और 1600 को हम लिख सकते हैं 16 × 100, और हमें पता है 16 इज़ नथिंग बट 2 रेस टू द पावर 4, क्योंकि 2 की पावर 4 16, और सिंपली 100 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। और आपको पता है 10 को अगेन हम प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं, जो कि आ जाएगा 5 × 2 इस पूरे का स्क्वायर। अब देखिए 2 की पावर 4 ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर पूरे के लिए है, इस पूरे के लिए है, तो मतलब इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। अब देखिए 2 की पावर 4 है और 2 की पावर यहाँ पे 2 है, तो हमें मिल जाएगा 2 की पावर 6 × 5 का स्क्वायर। इसके डिनोमिनेटर का जब हमने फैक्टराइजेशन किया, हमें सिंपली 2 मिला और 5 मिला, इसके अलावा कोई नहीं मिला, तो इसका आंसर सिंपली बन जाएगा टर्मिनेटिंग। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो कि बहुत सिंपल होने वाला है। तो फिफ्थ के आंसर में हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे फिलहाल 343 है, और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करोगे तो हमें सिंपली मिल जाएगा 7 का क्यूब। बट हम 7 के क्यूब को ऐसा भी लिख सकते हैं 2 की पावर 0 × 5 की पावर 0। अब देखिए इसके डिनोमिनेटर में 2 का भी टर्म है और 5 का भी फैक्टर्स है, बट 7 एक नया मेहमान है, इसके अलावा अगर कोई आपको फैक्टर देखने को मिले, इस टाइप का आंसर जो बन जाएगा, इसका जो डेसिमल एक्सपांशन होगा सिंपली वो बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो चलिए देखते हैं सिक्स का आंसर क्या हो जाएगा। तो सिक्स के आंसर में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्यू है हमारा यहाँ पे 2 क्यूब × 5 स्क्वायर। अरे ये तो रेडीमेड मसाला बना के हमको दे रखा है, रेडीमेड खाना है, इसके अंदर हमें तो फैक्टराइजेशन निकालने की भी जरूरत नहीं है, सिंपली 2 का क्यूब दिख रहा है और 5 का स्क्वायर दिख रहा है। आप यहाँ देख सकते हो इसके फैक्टराइजेशन के अंदर सिर्फ 2 है और 5 है, और ऐसे टाइप के डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है, वो सिंपली हो जाता है टर्मिनेटिंग। तो सेवन्थ क्वेश्चन के अंदर हमें क्यू क्या गिवन है, ये है 2 का स्क्वायर, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। यहाँ पे आप देख सकते हो क्यू को हमने 3 डिफरेंट नंबर के प्रोडक्ट में लिख दिया है। और एक चीज़ नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि हमारे पास 2 भी है, 5 भी है, और इन दोनों के अलावा एक नया मेहमान भी है, जो कि है 7। तो ऐसे में इसका आंसर क्या बन जाएगा, सिंपली इसका आंसर बन जाएगा ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग।
तो चलिए बढ़ते हैं 8 के आंसर की। तो इसके अंदर आप देख सकते हो Q हमें सिंपली गिवन है 15। तो 15 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें सिंपली मिल जाएगा 3 5 15, बट 2 का टर्म तो यहाँ पे नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 2 को टर्म को 2 raised to the power 0। अब देख सकते हो 2 का टर्म यहाँ पे आ चुका है, 5 का भी है, और इन दोनों टर्म के अलावा 2 और 5 फैक्टर्स के अलावा एक और नया मेहमान है जो कि है 3। तो ऐसे टाइप के जो नंबर है इनका डेसिमल एक्सपांशन सिंपली बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो 9th क्वेश्चन के अंदर हमें Q कितना गिवन है, Q सिंपली गिवन है 50, बट हम 50 को प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख सकते हैं जो कि हमें मिल जाएगा 5 × 10 होता है 50, बट अगेन हम 10 को लिख सकते हैं 5 × 2 = 10, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 5² × 2। आप देख सकते हो इसका जो फैक्टराइजेशन है इसके अंदर सिर्फ 5 और सिर्फ 2 है, इन दोनों के अलावा कोई नहीं है, तो इसका डेसिमल एक्सपांशन सिंपली बन जाएगा टर्मिनेटिंग। तो चलिए बढ़ते लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि 10 है और जो कि सिंपल होने वाला है। तो 10th के अंदर आप देख सकते हो Q हमें सिंपली गिवन है 210, तो इसका फैक्टराइजेशन हम सिंपली निकाल देंगे जो कि हमें मिल जाएगा 3 7 = 21 होता है, और इसको हम इंटू 10 भी ऐसे लिख सकते हैं। तो 3 और 7 अगेन फैक्टराइज नहीं हो पाएंगे, ऐसे में फैक्टराइज होगा सिर्फ 10, तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5। आप देख सकते हो ये जो Q है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 2 भी है 5 भी है, बट इन दोनों के अलावा दो नए मेहमान भी है जो कि इसमें नहीं होने चाहिए थे। ऐसे टाइप का जो डेसिमल एक्सपांशन है वो सिंपली बन जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो फाइनली एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है। यहाँ पे मैंने एक ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताया है, और वो क्यों टर्मिनेटिंग है और क्यों नॉन टर्मिनेटिंग है ये भी मैंने आपको समझा दिया है। अगर मेरा समझा है आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है तो लाइक डिसलाइक जरूर कीजिएगा ताकि हम समझ पाए कि आपकी पसंद क्या है। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे जरूरी बात चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।